और इसी बीच रादौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपने बिशन लाल सैनी को मौका दिया है। तो रादौर विधानसभा सीट से बिशन लाल सैनी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। साढ़ौरा सीट से मौजूदा विधायक रेणु बाला को टिकट दिया है पार्टी ने। बीजेपी ने बलवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बिशन लाल सैनी को मौका दिया है। तो रादौर विधानसभा की बात हम कर रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिशन लाल सैनी चुनाव मैदान में है। साढ़ौरा सीट से मौजूदा विधायक रेणु बाला। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सुनील कुमार का, जो कि यमुनानगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहे हैं, मुकाबला भी दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ की अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ के क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, जो नाम डिक्लेयर हुए हैं, जो पार्टियों ने अभी तक नाम डिक्लेयर किया उनको लेकर? जी देखिए, आपको बता दूं कि बीते कल जो है यमुनानगर की चार विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक तरफ जहां साढ़ौरा से दोबारा से जो है रेणु बाला जो उनको मौका दिया है, अभी जो है सिटिंग विधायक हैं, 2019 में चुनाव लड़कर जीती थी बीजेपी के बलवंत सिंह को हराकर विधानसभा पहुंची थी। तो वहीं रादौर से जो है बिशन लाल सैनी को कांग्रेस ने एक बार फिर से मौका दिया है, वो भी सिटिंग विधायक हैं, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को 2019 के चुनाव में हराकर विधानसभा पहुंचे थे। एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं बात करें तो जगाधरी और यमुनानगर से अभी कांग्रेस ने अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है। इन दोनों सीटों की बात कर लें, रादौर सीट से जो बिशन लाल सैनी हैं वो जो है पहले जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से भी बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। वहीं एक बार जो है रादौर से भी विधायक रह चुके हैं इनेलो के चुनाव चिन्ह पर। वहीं बात करें तो इस बार जो है कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो है रादौर से श्याम सिंह राणा को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कहीं ना कहीं जो है कर्णदेव कंबोज जो है इससे नाराज नजर आए, जिसके चलते जो है बिशन लाल सैनी ने जब टिकट की घोषणा हुई है उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि इसका सीधा सीधा फायदा जो है, उन्होंने सीधा जो है बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी में जो है फूट शुरू हो चुकी है, और उन्होंने कहा है कि इसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिलने वाला है। हालांकि कितना फायदा मिलेगा ये तो बीजेपी नेता बता पाएंगे। वहीं रेणु बाला की बात करें तो साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से एक रिजर्व सीट है साढ़ौरा विधानसभा, उन्हें जो है दोबारा से मौका दिया गया है। उनके सामने जो है बीजेपी के बलवंत सिंह होंगे, जो पिछली बार जो है महज कुछ ही जो है वोटों से उनसे हार गए थे, और उससे पहले जो है 2014 के विधानसभा चुनाव में जो है बलवंत सिंह यहां से जीतकर जो है विधानसभा गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार जो है कांटे की टक्कर रहने वाली है। वहीं बात करें तो इनेलो और अन्य पार्टियों के भी वहां पर जो है जो उम्मीदवार हैं वो दावेदारी जता रहे हैं। वहीं बात करें दूसरी तरफ रादौर विधानसभा की, तो वहां पर जो है बीजेपी और कांग्रेस की जो है कड़ी टक्कर रहने वाली है। सुनील, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये जो कहा जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को रिपीट किया है, हम यमुनानगर की बात करें, यहाँ की दो सीटों पर फिर से अपने जो नाम डिक्लेयर किए हैं उसमें विधायकों को, सिटिंग विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने रिपीट किया है, ये सोचकर कि ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जमीनी हकीकत क्या है, आप वहां पर हैं? देखिए, रादौर में जो है जिस तरह से बिशन लाल सैनी 5 साल से लगातार विधायक हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर उन्होंने अपने आप को मजबूत जरूर किया है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि श्याम सिंह राणा जिस तरह से बीजेपी में रहते हुए एमएलए रहे और उसके बाद जो है 2019 में उनका टिकट काट दिया गया और कर्णदेव कंबोज को जो है टिकट दिया गया, हालांकि वो यहाँ से हार गए, लेकिन श्याम सिंह राणा ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है, जिसके चलते ही बीजेपी ने थोड़े ही दिन पहले जो है बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि इनेलो ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ था और एकदम से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। एक मजबूत उम्मीदवार जो है बीजेपी के श्याम सिंह राणा यहाँ से हैं, तो मतलब यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर रहने वाली है। हालांकि श्याम सिंह राणा के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि वो एक तरफा
यहाँ से जीत कर जाएंगे, लेकिन बिशन लाल सैनी को भी कम नहीं आका जा सकता, क्योंकि यहाँ से जो है एक बार वो इनेलो के चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे, तो एक बार जो है कांग्रेस जो पिछली बार जो है उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर जो है विधानसभा पहुंचे हैं, और विधानसभा में भी उन्होंने रादौर विधानसभा क्षेत्र के काफी मुद्दे उठाए, खनन का मुद्दा हो या फिर सरकार को किसी तरह से घेरने की बात हो, विधानसभा में जो है लगातार उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें साढ़ोरा विधानसभा क्षेत्र की, तो साढ़ोरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि साढ़ोरा विधानसभा क्षेत्र जो है 2019 के बाद जो है जिस तरह से बदलाव होने चाहिए थे, हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव हुए, वो इस क्षेत्र में पिछड़ा रहा है। हालांकि सड़कें वगैरह बनी है, लेकिन जो क्षेत्र विकास होना चाहिए था क्षेत्र में, उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं लोगों का कुछ जो है रेणुवाला के समर्थक भी थे 2019 में, उनका भी ये कहना है कि रेणुवाला विधायक रहते हुए भी जो है अपने क्षेत्र में जो है काम नहीं कर पाई हैं। हालांकि वो जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अब की बार जैसे कि दोबारा से जो है रेणुवाला को मौका दिया गया है और कांग्रेस की सरकार आएगी, तो जरूर रेणुवाला जो है इस बार जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करवाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो बलवंत सिंह को भी ठीक है। सुनील, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।